यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस कराना चाहते थे, इससे पहले सिस्टम यही था, आप घर बैठे चेंजेस करा सकते थे। नेम में चेंजेस कराना हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, जो भी आप चेंजेस कराना चाहते थे, ऑनलाइन ही हो जाता था। अब इसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन आधार सेंटर वालों के लिए भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि सारे कस्टमर अब उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या यह टेम्पररी है या फिर परमानेंट? अगर किसी को अब से आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस कराना हो तो क्या वो कौन सा प्रोसेस में जाके करा सकता है? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और हाँ, आधार सेंटर से रिलेटेड या फिर आधार के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आना है गूगल में और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा UIDAI, इसके बाद एंटर। सबसे पहले लिंक आएगा UIDAI.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपने लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है। इसके बाद myadhar.uidai.gov.in पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दिया हूँ, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ जाएंगे, आपको कहीं और क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा, बस आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालने के बाद सेंड OTP करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पर डालना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद लॉगिन करेंगे, आपके सामने माई आधार कार्ड डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन यहां पर डिलीट और रिमूव करके नया वाला ऐड भी कर चुके हैं काफ़ी सारा। तो यहां पर एक ऑप्शन था, आपको पता होगा, आधार अपडेट का, जो कि अभी आपको नहीं शो कर रहा है। बस उसकी जगह आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, बाकी अदर सर्विस तो है ही, बस आप आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट एड्रेस। तो यहाँ पर हम एड्रेस अपडेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी ग्रे हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। बस अपने आधार कार्ड में सिर्फ एड्रेस को ही आप चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी और को चेंज नहीं कर सकते। एड्रेस को चेंज करने के लिए बस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार में क्लिक करेंगे और जैसे आप प्रोसेस करते थे पहले, ठीक वैसे आपको करना होगा और आपका कुछ पेमेंट करके आपका आधार में अपडेट हो जाएगा एड्रेस। बट अभी मेन सवाल यही है, काफ़ी सारे लोग दिक्कत में हैं कि वो करे तो करे कैसे, क्योंकि यहाँ पर UIDAI की तरफ से तो बंद हो गया है नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, तो इसको चेंज करने के लिए अब कहाँ जाए? तो इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने रास्ता बता दिया है आपको। आपको आना है UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माई आधार में सबसे पहले नीचे ही लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप स्टेट वाइज, पोस्टल, पिन कोड वाइज कहाँ पर आधार सेंटर है जान सकते हैं और वहाँ पर जाके अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पोस्टल पिन में क्लिक करेंगे, आपका पिन कोड ऐसे डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालेंगे ऐसे, इसके बाद लोकेट सेंटर में क्लिक करेंगे तो जो आपने पिन कोड में एंटर किए हैं उस हिसाब से सब दिखा देगा कि आपके नियर बाय में कहाँ कहाँ पर उस पिन कोड में आधार सेंटर है जहाँ पर आप जाके चेंज करा सकते हैं। आप यहाँ पर जाके आसानी के साथ करा सकते हैं, एड्रेस तो आपको पता होगा क्योंकि आपका नियर बाय का ही है। अब आपके मन में ये तीन सवाल आता होगा, जैसे कि ये आधार सर्विस बंद कर दिया गया है, यानी कि अब से आप आधार का जो भी चेंजेस वगैरह है सिर्फ अपडेट कर सकते हैं अपने एड्रेस को, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो काम किया है आधार ने, यानी कि UIDAI ने, तो ये टेम्पररी किया है या फिर परमानेंटली किया है? कुछ ही दिनों बाद चालू होगा क्या? आपके मन में ऐसा भी सवाल आ रहा है तो बता दूं कि आपको यहाँ पर कोई भी होप नहीं दिख रहा है अभी तक, तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे रीज़न की वजह से बंद कर दिया गया है। तो ये तो बात क्लियर है कि ये परमानेंटली अभी के लिए बंद कर दिया गया है, टेम्पररी नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। अब आपके मन में एक और कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये दरअसल बंद क्यों कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन से ही अपने आधार कार्ड में चेंजेस करके आधार सेंटर को भीड़ नहीं करते थे, अपने घर बैठे ही कर सकते थे, मतलब सेल्फ खुद कर सकते थे, तो बंद क्यों कर दिया?
इसका रीज़न यही है कि ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से बंद कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे थे, डॉक्यूमेंट अपडेट करके गलत डॉक्यूमेंट देके वो चेंजेस करा लेते थे, तो UIDAI काफ़ी सारे रिजेक्ट करते करते और भी कई तरह वेरीफाई करते करते लास्ट में वो उन्होंने डिसाइड लिया कि ये बंद कर देते हैं। जो लोग को अभी से अगर आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस कराना हो तो उसको अपने नियरेस्ट अपडेट सेंटर में जाना चाहिए, आधार सेंटर में। तो सिर्फ आप घर बैठे आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं एड्रेस, लेकिन आधार सेंटर में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेम, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ आप चेंज, रिमूव सब कुछ करा सकते हैं वहाँ पे, और घर बैठे आप सिर्फ एड्रेस ही बदल सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर हम काफ़ी सारे अपडेट देते रहते हैं, नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं।